जनेन मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज बीकानेर राजस्थान में श्री रामलाल जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। सर भी एक वास्तु में बहुत बड़े जानकार हैं, वास्तु का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। सर के घर का जब वास्तु निरीक्षण करता हूँ तो सर ने अभी तक के वास्तु जितने भी उपाय होते हैं, जैसे किसी भी मेटल स्ट्रिप से कट करना या जो भी जो सर जानते थे सारे उपाय किए हैं, लेकिन उसके बाद भी आशारूप सफलता प्राप्त नहीं हो रही। उसके दो तीन मुख्य कारण ज्ञात हो रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाता हूँ कि सर का जो टॉयलेट आ रहे हैं, जो ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट जोन में आ रहे हैं, सर ने उसको स्ट्रिप से कट भी किया है, लेकिन स्ट्रिप से कट करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर किया है, उसके बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। इसके साथ साथ घर के अंदर दिखाइए कि विभिन्न प्रकार के कमियां जैसे ज्ञात होती हैं कि इसमें नॉर्थ ईस्ट में सर ने पूरे लाल कलर के पर्दे लगाए हुए हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों में भी गलती पाई गई। और कमियां देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी एक कमी ये ज्ञात होती है कि एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में जो कि इसमें एग्जैक्ट सर का सेप्टिक टैंक आ गया, जो कि एस पर वास्तु के नियम के विपरीत होता है। सर ने इसके लिए भी यहाँ पर स्ट्रिप लगा के इसको सेप्टिक टैंक को अलग कर दिया। फिर भी यहाँ की जो एनर्जी चेक कर रहा हूँ डाउजिंग टेक्निक से, और सर ने भी जबकि एनर्जी हुआ सब कुछ पहले से ऑलरेडी बढ़ा रखी थी, उसके बाद भी एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल आ रही है। जबकि सर की यही दूसरी जगह, ये देखिए आप, यही सर की एक दूसरी जगह यहाँ पर आंकलन कर रहा हूँ तो एनर्जी की स्पीड देखिए डाउजिंग टेक्निक से कि यहाँ पर एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, मतलब कि इतनी तेजी से एनर्जी है। कि इसका कारण एक है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की जो निराई गुड़ाई और जुताई हुई है इतने शानदार तरीके से वो फॉर्मुलेट हुई है कि इसकी जो एनर्जी है मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और वास्तु में जो सब प्राण हैं, आधार हैं, वो किसी भी जगह की ऊर्जा है। जब जहाँ की ऊर्जा चेक कर रहा हूँ तो इतनी शानदार सोच सकारात्मक ऊर्जा प्रतीत हो रही है। और जबकि इसी घर में दूसरी जगह आता हूँ तब एनर्जी डाउजिंग टेक्निक से चेक कर रहा हूँ तो एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही घर में दो प्रकार की एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं, और निश्चित रूप से यह एनर्जी को जहाँ तक फैलाने के लिए आज सर को पूरे उपाय बताए हैं। सर को आप पूरे मरकरी वगैरह इंजेक्ट करने के अलावा और कैसे क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके भी उपाय बताए गए हैं। कृपया सर आपको मार्गदर्शन करें कि जो उपाय बताए हैं इनसे आपको क्या समझ में आया। प्रयास मंगल जी को मैं काफ़ी समय से बुलाने का प्रयास कर रहा था, तो आज इन्होंने समय लेके बीकानेर यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। तो पहले मैं जो उपाय किए थे उससे क्या है कि सकारात्मक परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहे थे। अब सर को बुलाया है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो समस्याएँ थी थोड़ी बहुत उनको क्या है कि निवारण होगा, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। निश्चित रूप से मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की मेटल स्ट्रिप से टॉयलेट सीट को कट कर दें, कलर से बैलेंसिंग कर दें, उसके बाद भी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिले। सकारात्मक रिजल्ट पाने के लिए आपको बिल्कुल जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। कहीं आपकी कुंडली के दोष हैं, कहीं जमीन की ढलान का दोष है, कलर का दोष है, एलिमेंट बैलेंसिंग डिस्टर्ब है, जोन डिस्टर्बेंस है, क्या डिस्टर्बेंस है, इन सबके जब बिल्कुल सेट करोगे तब आप बिल्कुल बारीकी से रिजल्ट पा सकते हो। अकेले बारीक ऊपर ऊपर की चीज़ें करने से वास्तु नहीं होगी। सर आज जो आपने करवाया है और जो मैंने किया है, अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जिस विश्वास से आज आपने बीकानेर बुलाया है और जो मैंने आज उपाय बताए हैं पूरे आपके सब कुछ नकारात्मक ऊर्जा पलायन करने के लिए, 100% आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।